डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन द लेक्चर ऑन ऑर्गेनोमेटेिकेक्चर वी विल डि अबाउट दिनल मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडस तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस ऑर्गेनोमेटेलिक कम्पाउंड की लेक्चर में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को बनाने के जनरल मेथड्स हैं ओके बहुत कॉमन बहुत सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं हम ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और ये कंपाउंड्स जो हैं वो वेरियस कैटालिटिक प्रोसेसेस में काम आते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी हेल्पफुल हैं तो इसलिए हम देख रहे हैं कि कैसे हम इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं तो पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑर्गेनिक है तो हम क्या देखेंगे बच्चों हम ये देखेंगे कि जो मेटल है एक मेटल जिसका नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और जब वो एक ऑर्गेनिक से करेगा ऑर्गेनिक हेलाइट देखिए एक मेटल है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो सकता है है और ये जो आर है ये क्या है ये आर एक्स क्या है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिकलाइट और, और इसमें जो आर है इट मे भी एराइल और इट मे भी एल्काइल तो हम एराइल या एल्काइल ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं आर यहाँ पर एराइल हो सकता है या एल्काइल हो सकता है?

टलिक कंपाउंड जैसे यहां पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन हुई है या लिथियम का जो एल्काइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो प्रिपेयर किया है इस मेथड से यानी क्या करेंगे रिएक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होना चाहिए जनरली जो एल्कली मेटल्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे ऑर्गेनिक से और बनाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड

और इस मेथड uh, में आप देखेंगे देखिए मेटल रिएक्ट कर रहा है एक ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड के साथ इससे पहले आपने देखा मेटल रिएक्ट कर रहा था एल्काइल हैलाइड के साथ या एराइल हैलाइड के साथ यहाँ पर क्या होगा ये जो मेटल होगा ये एक एराइल हैलाइड या एक एल्काइल सॉरी uh, एक ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा जहाँ पर एराइल हो सकता है आर ग्रुप या एल्काइल ग्रुप हो सकता है इनमें से कोई भी ग्रुप ये हो सकता है तो मेटल की रिएक्शन विद मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मेटल की रिएक्शन विद एल्काइल हेलाइड तो ये दूसरी रिएक्शन है जिसको हम ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन कहते हैं और आपने देखा कि ये मेटल क्या कर रहा है इस डैश मेटल को रिप्लेस करके खुद यहां पर एम बना रहा है तो आपने देखा कि ये वाला मेटल ये ए आर के साथ जोड़ रहा है और ये जो एम डैश है ये क्या हो जा रहा है फ्री हो रहा है और ये एम डैश का फॉर्मेशन कर रहा है जैसे फॉर एग्जांपल गैलियम गैलियम मेटल हमने लिया और ये मरकरी का डाईमिथाइल मरकरी कंपाउंड है तो आप देखेंगे मरकरी जो है वो रिप्लेस हो जाएगी और गैलियम जुट जाएगा बट इस तरीके का मेथड स्पेसिफिकली जो है वो स्पेसिफिक है ये पर्टिकुलर मेटल्स के बीच में ही पॉसिबल है अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप ध्यान में लाइए ये देखिए गैलियम का रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स गैलियम थ्री प्लस से गैलियम का बनना यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है माइनस पॉइंट फाइव थ्री वोल्ट और मरकरी का कितना है मरकरी का है जो रिडक्शन पोटेंशियल है एच जी टू प्लस से एच जी पॉइंट एट फाइव वोल्ट अब आप याद करिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक है किसका है रिडक्शन पोटेंशियल अधिक इसका मर्करी का यानी मर्करी क्या है जो एच जी टू प्लस से एच जी में आसानी से कन्वर्ट हो सकती है क्योंकि ये ये रिडक्शन रिडक्शन की प्रोसेस है और ये इसका पोटेंशियल हायर है तो ये आसानी से पॉसिबल है रिएक्शन इसका मतलब एच जी टू प्लस यहाँ पर क्या है एच जी टू प्लस एच जी टू प्लस से एच जी में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा जबकि गैलियम का क्या है जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा लिए गैलियम जो है वो गैलियम थर्ड में कन्वर्ट इजीली होगा तो आप ये देखेंगे कि ये ट्रांसमेटलेशन की रिएक्शन कहां पर होगी मतलब मेटल का एक्सचेंज हो रहा है सब्सटीट्यूशन आप कह सकते हैं ये सब्सटीट्यूशन टाइप की रिएक्शन है मेटल का एक्सचेंज हो रहा है और मेटल तब एक्सचेंज होगा ये जो मेटल है ये इस मेटल को तब रिप्लेस करेगा जब ये वाला मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर पोजीशन पर होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है तभी ट्रांसमेटलेशन की प्रोसेस हो पाएगी तो जो सीरीज तो में ऊपर है वो मेटल रिप्लेस कर सकता है जो नीचे है उस मेटल को रिप्लेस कर सकता है आप देखेंगे हर एक प्रिपरेशन मेथड के पीछे कुछ लॉजिक है बिना लॉजिक के यहां पर सिंथेसिस आपको देखने को नहीं मिलेगी थर्ड मेथड जो हम देखेंगे उस मेथड में आप देखेंगे रिएक्शन होगी एक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड की एक, की, एक के साथ ओके okay. एक हेलाइट के साथ रिएक्शन होगी इसको हम कहते हैं मेटाथेसिस मेटाथेसिस कहते हैं एक्चुअली मैं ये भी एक तरीके का एक्सचेंज आप देखेंगे देखिए मेटल आ, आ, ये क्या है ये मेटलिक कंपाउंड है और ये क्या है एक हैलाइड है तो जब मेटलिक कंपाउंड की रिएक्शन किससे होगी एक हैलाइट से होगी तो आप देखेंगे एक्सचेंज होगा ये एम जो है ये एम किसके साथ जुड़ जाएगा x के साथ और क्या बना देगा mx ओके okay. और ये e और ये r मिलके क्या बना देंगे एक नया ऑर्गेनो ऑर्गेनोमेटलिक मेट, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे तो ये भी एक तरीके की एक्सचेंज रिएक्शन है यानी जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं तो अब आपको याद देखिए बहुत कठिन नहीं है बच्चों आपने क्या देखा m की रिएक्शन विद rx m की रिएक्शन विद mx एंड एम आर की रिएक्शन विद ई एक्स अब ये भी स्पेसिफिक रिएक्शन है ये हर जगह पर नहीं होगी ये पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड्स के सिंथेसिस में ही होगी रिएक्टेंट्स की कुछ क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन पॉसिबल होगी तो यहां पर आप देखिए कि एक ये एल्यूमिनियम का अल्काइल है यानी ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है एल्युमिनियम का और एक हमने हेलाइट ले लिया बोरॉन का ड्राइफ्लोराइड तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो आप देखेंगे एक्सचेंज हो गया एल्यूमिनियम एफ के साथ जुड़ गया और बोरॉन जो है वो इस ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ जुड़ जाएगा तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये देखिए सिलिकॉन का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और ये बोरॉन का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इनका सिंथेसिस हो गया तो ये किस बेसिस पर होगा आपने एच एस ए बी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है बच्चों एच एस ए बी मतलब हार्ड हार्ड को लाइक करेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट को लाइक करेगा उस बेसिस पर आप देखेंगे ये रिएक्शन पॉसिबल होगी तो जनरली क्या होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं कहेंगे हम इसे हम कहेंगे इसको ऑर्गेनिक ग्रुप ठीक है तो जो ऑर्गेनिक ग्रुप होगा वो किसको लाइक करेगा इट विल लाइक द नो नेगेटिव एलिमेंट अगर आप लिथियम और सिलिकॉन में देखें तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये क्या है एक एस ब्लॉक एलिमेंट है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है बच्चों ये किसको पसंद करेगा ऑर्गेनिक ग्रुप को और ये जो लिथियम है अब आप सोचिए ये हार्ड एसिड है और ये एक हार्ड बेस है तो ये दोनों क्या करेंगे ये साथ रहना चाहेंगे इसलिए ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा एल आई सी एल तो जनरली क्या होता है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ रहना पसंद करेगा ठीक है आयनिक कंपाउंड बनाएगा जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ रहना चाहेगा हम ये कह सकते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक ग्रुप है वो किसके साथ रहना पसंद करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ तो इस तरीके से इस बेसिस पर ये सिंथेसिस की जाती है ओके ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑर्गेनिक ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है वो के साथ अटैच हो जाएगा इस तरीके से आप देखेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का सिंथेसिस हो सकता है और इस मेथड को जो हम एक्सटेंड करेंगे अगर हम देखेंगे कि मेटल जो है वो सेम है तो सेम मेटल के केस में ये मेटाथेसिस को हम क्या कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द हैविंग द सेम सेंट्रल एलिमेंट तो यहाँ पर क्या हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया एक्चुअली यहाँ पर कंप्लीट शिफ्टिंग uh, नहीं है कंप्लीट एक्सचेंज नहीं है क्या होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन आप देखना है. इस तरीके से डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या बन जाएंगे सिलीकोन्स जो 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 साइलाइल जो मिथाइल साइलाइल क्लोराइड है ये हमें यहाँ पर ऑप्टेन होगा तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन की रिएक्शन कहलाती है नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप देखेंगे जिसकी हेल्प से कंपाउंड uh, का सिंथेसिस कर सकते हैं वो क्या है एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में हम मेन दो तरीके की रिएक्शंस देखेंगे एक तो हम हाइड्रोमेटालाेशन देखेंगे और एक हम देखेंगे डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बोनिल्स कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो सकता है तो ये एडिशन हाइड्रोमेटाले रिएक्शन में आप देखेंगे क्या होगा ये जो मेटल हाइड्राइड है ये एलकीन के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा आप देखिए ये ये क्या है बच्चों मेटल हाइड्राइड इसको हम ई को हम एक्चुअली क्या लिख सकते हैं एम इसको मैं एम कर देती हूँ तो अब आपको समझ में आएगा देखिए ये मेटल हाइड्राइड है और ये है एल्कीन बिल्कुल कैसे ये रिएक्शन होती है जैसे होता है हाइड्रोवरेशन हाइड्रोफोरेशन आपने पढ़ा होगा ठीक है एडिशन रिएक्शन है और साइलाइलेशन तो ये जो दो रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन है जहां पर आप देखेंगे कि आ, जो एडिशन है किसका एल्कीन पर एडिशन होता है हाइड्रोजन बोरॉन बॉन्ड जब ऐड होगा ठीक है और जब हाइड्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड ऐड होगा तो उसको हम हाइड्रोसाइलाइलेशन कहते हैं इसी तरीके से क्या होगा हाइड्रोमेटलेशन होगा हाइड्रोबोरेशन मैंने आपसे कहा हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोसाइलाइलेशन एडिशन होता है हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड का एल्कीन में या हाइड्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड का एल्कीन में उसी तरीके से हाइड्रोमेटलेशन में क्या होगा जो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका एडिशन कहाँ पर होगा ओलिफिन में होगा मेटल एक कार्बन पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर जुड़ेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड का सिंथेसिस होगा। दूसरा जो कंपाउंड जो सिंथेसाइज कर सकते हैं इस एडिशन रिएक्शन की हेल्प से वो है मेटल कार्बोनल तो मेटल कार्बोनिल्स सिंथेसाइज किए जा सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि निकिल कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन देनी पड़ेगी तो 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ठीक है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है ऐसे ही आप देखेंगे कि आयरन जब रिएक्ट करता है कार्बोनिल से तो ये रिएक्शन होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर हम देंगे तो क्या बन जाएगा ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड का सिंथेसिस होगा तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है उनका सिंथेसिस हम दो मेथड दो मेन मेथड से देखेंगे एक तो सब्सटीट्यूशन यानी एक्सचेंज और दूसरा हम देखेंगे एडिशन तो जहाँ पर एक्सचेंज हमने पढ़ा तो हमने क्या किया मेटल की रिएक्शन आरएक्स से करी ओके okay? मेटल की रिएक्शन आरएक्स से ओके okay? देन हमने दूसरी रिएक्शन क्या देखी मेटल की रिएक्शन एम से एम ट्रांसमेटलेशन दोनों मेटल का एक्सचेंज ये ट्रांसमेटलेशन और तीसरी रिएक्शन हमने देखी एमआर की रिएक्शन ई से ये भी क्या है एक्सचेंज रिएक्शन और इसे हम मेटाथेसिस कहते हैं ओके okay, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की हमने तीन मेन रिएक्शंस पढ़ी और एडिशन रिएक्शन की हमने दो मेन रिएक्शन पढ़ी एक हाइड्रोमेटालेशन और दूसरा हमने देखा जो मेटल कार्बोनल्स हैं वो सिंथेसाइज किए जा सकते हैं डायरेक्ट एडिशन के थ्रू दिस इज ऑल अबाउट दिनल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सो थैंक यू वेरी मच